आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अभय सर में। देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिटिक्स, जिसमें हम लोग जानेंगे अनुच्छेद के बारे में, भारतीय संविधान में जो भी दिए गए हैं, तो इसमें हम लोग बहुत ही बेहतर ढंग से जान सकते हैं। हमको बस इन बातों का ध्यान रखना है कि इसे कैसे हम लोग याद करेंगे और कैसे समझेंगे। और एक बात और आप लोगों को कह देता हूँ, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, बस आप लोग लास्ट तक देखिए, उसके बाद आपको एहसास होगा कि हाँ सर सही कह रहे थे। तो देखिए, यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, उसकी सहायता से आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं इसको। और साथ ही साथ कोई कमेंट हो तो उसको कर दीजिए इनबॉक्स में जाके। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको अनुच्छेद का एक भी यदि प्रश्न आ रहा है भारतीय संविधान से, तो इस वीडियो से बेहतर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जितने भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद एक में लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक ना, तो जो हमारा भारत है वो राज्यों का क्या है, एक संघ है। ठीक, दूसरा दिया है कि अनुच्छेद दो में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो अनुच्छेद दो की सहायता से भारत सरकार चाहे तो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। जैसे अभी अभी तेलंगाना बना है, उसी तरह नए राज्य बन सकते हैं। तीसरा देखिए, अनुच्छेद तीन में लिखा है, राज्यों के निर्माण एवं सीमाओं या नाम परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं। यह अनुच्छेद तीन के तहत है। तो राज्य के जो भी नाम हैं उनको परिवर्तित कर सकते हैं अनुच्छेद तीन के तहत, और सीमा का नाम भी। ठीक ना, अनुच्छेद चार के तहत पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधिनियम में बनाई गई थी। दो और तीन के अधिनियम में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं, ऐसा चौथा अनुच्छेद में लिखा है। पांचवा अनुच्छेद जो है, इसमें लिखा है संविधान के प्रारंभ पर, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी संविधान बनते समय जो लोग थे उनको नागरिकता मिलेगी। फिर मिला छठवां में लिखा गया, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। तो जो भी लोग भारत आए थे उस समय में, तो उन लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। और फिर सातवां है, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। तो पाकिस्तान से जो लोग गए थे उनको भी, फिर भारत वापस आए तो उनको भी नागरिकता, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, ये जितने भी लोग भारत से बाहर रहते हैं विदेश में उनको नागरिकता भी हमारा अनुच्छेद आठ ही देता है। इसमें यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष के अंदर यदि भारत आता है, ठीक, तो उसे भारतीय नागरिक ही माना जाएगा, लेकिन 7 वर्ष में एक बार आना पड़ेगा। आठवां फिर दिया भारतीय नहीं हाँ नौवां, विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। यदि आप किसी और राज्य की, मतलब किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता रद्द मानी जाएगी। जैसे आप एक हीरो को जानते हैं अक्षय कुमार, तो उनके पास जो है कनाडा की नागरिकता है, तो वो भारतीय नहीं है। ठीक ना, सिर्फ भारत में एक्टर के तौर पे काम करते हैं। फिर ये देखिए अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। मतलब आप यदि भारतीय नागरिक हैं तो आपके जो अधिकार हैं उससे बनाने रखने का कार्य कौन करता है, अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय, यानी संसद जो अनुच्छेद 11 वही संसद के द्वारा जो भी नागरिकता के कानून हैं उनको विनिमय करता है। और अनुच्छेद 12
राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 13 देखिए हम लोगों को बताता है मूल अधिकार एवं असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 देखिए हमको बताता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 बताता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पे भेदभाव को रोका जा सके। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि किसको पूछा जाता है, धर्म मूल वंश लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न किया जाए, ये अधिकार हमको अनुच्छेद 15 देता है। अनुच्छेद 16 जो है ये देता है लोक निवेदन में अवसर की समानता, यानी हमको जो है सरकारी नौकरियां जो हमको चाहिए उनमें अवसर की जो समानता है वो अनुच्छेद 16 देता है। और ये देखिए अनुच्छेद 17 ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंतर जो छुआछूत है भेदभाव है उसको अंतर कौन करता है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में लिखा गया है उपाधियों का अंता की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी उपाधि आसानी से ले सकते हैं। और फिर देखिए अनुच्छेद 19 से सूचना का अधिकार RTI जिसे कहते हैं, आपको ये 19A में मिलेगा। और अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्ध होने पर दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक, अपराधों के दोष सिद्ध में संरक्षण। और फिर प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति संरक्षण या स्वतंत्रता 19 में है, आप जैसे जो भी फ्रीडम हो के इंडिया में बोल लेते हैं तो ये अनुच्छेद 19 की देन है। और देखिए 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनुच्छेद 21 में लिखा गया है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक। और फिर देखिए नोट निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए अनुच्छेद 22, तो इसमें लिखा गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। और अनुच्छेद 23 में लिखा है मानव के दुर्व्यवहार और बेगारी एवं बलात्श्रम पे आप किसी को जबरदस्ती नहीं खटा सकते हैं। और फिर देखिए अनुच्छेद 24 जो है ये बहुत ही अच्छा है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खान किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं करा सकते हैं आप, ठीक। अनुच्छेद 25 जो है, अनुच्छेद 25 देखिए ये आपको धर्म आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 26 जो है ये हमें धार्मिक कार्यों में प्रतिबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण देता है। और फिर देखिए अनुच्छेद 30 जो है हमें देखिए क्या देता है, अनुच्छेद 30 हमको देता है शिक्षा संस्थाओं एवं की स्थापना एवं प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार देता है। फिर देखिए अनुच्छेद 32 जो है वो हमको देता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39 से सभी के लिए समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, ये अधिकार देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहितों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 49 से राष्ट्रीय स्मारकों तथा वस्तुओं के संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथककरण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 51 ये मूल कर्तव्य का अधिकार देता है, अनुच्छेद 52 ये भारतीय भारत का राष्ट्रपति का अधिकार देता है, अनुच्छेद 53 राष्ट्र संघ की कार्यपालिका की शक्ति का अधिकार देता है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार देता है, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली को बताता है, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावली के बारे में बताता है, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 58 निर्वाचित होने के लिए अर्हता बताता है राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ बताता है, अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति महाभियोग के बारे में बताता है, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 जो है वो उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा का पदेन सभापति होगा ये कहता है, अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रीय पद के रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा राष्ट्रपति का पद रिक्त रहने पर, और अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति की पद अवधि कितनी होगी, अनुच्छेद 68 ये कहता है उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन कैसे करेंगे, अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति की शपथ कैसे लेंगे, अनुच्छेद 70 कहता है अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कैसे होगा, अनुच्छेद 70 कहता है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विषय के बारे में लिखता है, अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति बताता है, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होता है, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सलाह देने पर मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध लिखता है, अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद 77 भारत के सरकार का कार्य संचालन के बारे में, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति की जानकारी देने वाले प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताता है, अनुच्छेद 79 संसद का गठन बता देता है, और अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना बताता है, और 81 लोकसभा की संरचना बताता है, और 83 संसद के सदनों की अवधि बताता है, और 84 संसद के सदस्यों की अर्हता बताता है, और 85 संसद के सत्रावसन एवं विघटन के बारे में बताता है, और 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण को बताता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, यदि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और आप इसे पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे लिंक है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।